हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में दो या दो से अधिक टेबल्स हैं और उनको एक साथ कंबाइन करना है। कंबाइन करने का क्या प्रोसेस होता है? कंबाइन यानी मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप की। देखिए, रिलेशनशिप क्रिएट कराना बड़ा आसान है। रिलेशनशिप का फायदा क्या है? और एक और क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है, मेरी एक व्यूअर हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, सौभाग्य लक्ष्मी, तो इनका क्वेश्चन है कि सर जब टेबल को लिंक कराया जाए तो मेरे में प्लस साइन नहीं आ रहा है। देखिए, टेबल को सही से लिंक कराएंगे तभी प्लस साइन आएगा और उसी का मतलब होता है कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप क्रिएट हो गई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो ये कैसे होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन है। अब इसमें दो टेबल आपको दिख रही होंगी। पहला टेबल है प्रोडक्ट का और ये प्रोडक्ट के टेबल में प्रोडक्ट की आईडी दी गई है, यहाँ प्रोडक्ट का नेम दिया गया है और यहाँ प्रोडक्ट की प्राइस है, फिर यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरी टेबल है वो है आपकी कस्टमर की, तो ये कस्टमर आईडी है, फिर यहाँ कस्टमर का नेम है, ठीक है। तो ये जो कस्टमर वाली टेबल है इसको लिंक करवाना है प्रोडक्ट वाले टेबल से। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है, तो क्या कस्टमर वाले टेबल में कहीं प्रोडक्ट आईडी है? अगर नहीं है तो आप रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करा सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको एक फील्ड कॉमन रखनी पड़ेगी, ठीक है, और वो यूनिक फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नेम ऑफ स्टूडेंट और कस्टमर नेम को आप कंबाइन करा सकते हैं, नहीं करा पाएंगे, ठीक है। और यहां पर मैं क्या करता हूँ, एक डिजाइन व्यू पे लेकर के इसमें एक फील्ड और डाल देता हूँ, प्रोडक्ट आईडी। क्या डालूंगा? प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी ही यूनिक फील्ड है, यानी प्राइमरी की प्रोडक्ट आईडी को मैंने बनाया है। देखिए, ये प्राइमरी की है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डिजाइन व्यू पे लेके, ये प्रोडक्ट आईडी को मैंने प्राइमरी की बनाई। यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से प्राइमरी की, ये प्राइमरी की है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी अब एक से अधिक बार रिपीट नहीं हो सकती है, यानी कि एक बार A1 दे दिया तो यहाँ पर अगर A1 लिखूंगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइक चॉकलेट और यहाँ पे प्राइस है 40 रुपये और 5 खरीदा, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू की बात कर रहा है, तो डुप्लीकेट वैल्यू तो ये लेगा ही नहीं। तो यही प्राइमरी की खूबी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा ये, ठीक है, ये प्राइमरी की होती है। तो मैंने प्राइमरी की को ही दोनों में कॉमन रखा, जैसे यहाँ पर देखिए जो कॉमन फील्ड में मैंने लिया है दोबारा वो प्राइमरी की वाला फील्ड है, प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। अब यहाँ से प्रोडक्ट आईडी आपको A1 दिखाई दे रहा है, A2, तो यही चीज यहाँ पर भी एंटर होना चाहिए, A1, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे A2 आएगा, तो A2, फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे A3 आएगा, तो ये A3, ठीक है। अब इसको सेव करना है और सेव करने के बाद दोनों को यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब इसमें रिलेशनशिप आप क्रिएट करा सकते हैं। ये एक से नहीं, मैं दो टेबल्स को ही कंबाइन करा के दिखा रहा हूँ, आप 4, 5, 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस टूल्स पे सीधा जाइए और यहाँ पर मिलेगा रिलेशनशिप, यहाँ पर आइए, ये देखिए ये कस्टमर टेबल है, यहाँ पे लेके आइए और ये प्रोडक्ट वाला टेबल है, इसको यहाँ लेके आइए। अब दोनों में एक कॉमन फील्ड क्या दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट आईडी ही तो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से उठाइए दो। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि दोनों में डेटा टाइप अगर सेम नहीं रहा तो भी ये कंबाइन नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से ओके कीजिएगा तो ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, 1-to-many रिलेशनशिप देख सकते हैं। अब इसका फायदा ये हुआ कि जब आप प्रोडक्ट वाली टेबल पे जाएंगे तो यहाँ आपको प्लस का साइन मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगी। अब यहाँ पे क्लिक करते ही आपको कस्टमर वाला पूरा डिटेल इसी टेबल में मिल जाएगा, आपको दूसरे टेबल में जाने की जरूरत ही नहीं। तो इस सॉफ्टवेयर बनाते समय काफी ज्यादा कारगर होता है और अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, तो आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी। अब मान लीजिए कि तीसरा भी टेबल होता तो क्या करते? तो देखिए, तीसरे टेबल में भी कुछ ना कुछ कॉमन फील्ड तो होना ही चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉस्ट टेबल, कॉस्ट टी कर देते हैं, कॉस्ट टी। अब यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रख देता हूँ एम्प्लॉई आईडी। अब एम्प्लॉई आईडी यहाँ पर मैंने प्राइमरी की बनाया है, लेकिन अब एक कस्टमर आईडी था तो यहाँ पे कस्टमर आईडी को मैं यहाँ पे प्राइमरी की नहीं बनाऊंगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया कस्टमर _ID, ये हो गया कस्टमर आईडी। और यहाँ पर क्या करेंगे, नेम ऑफ एम्प्लॉई, नेम ऑफ एम्प्लॉई, EMPLOYEE, ये हो गया नेम ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है। एन कैपिटल कर लेते हैं, यहाँ से ये एन को कैपिटल कर दिया, तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिए और जैसे व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आता है। अब जब इस तरीके से आ गया तो यहाँ पर अब आपको कस्टमर आईडी डालनी है। तो ध्यान दीजिएगा, कस्टमर आईडी कस्टमर वाले टेबल से पिक करनी है, 1, 2, 3, 4 यही पड़ेगा कस्टमर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कर दीजिए और यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉई कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अंकुर कर दिया एक एम्प्लॉई का नाम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एम्प्लॉई आईडी भी सेम आ रही है, तो हम एम्प्लॉई आईडी को चेंज कर लेंगे यहाँ से। लाइक यहाँ पे ऑटो नंबर दिया मैंने, इसको हटा देंगे, यहाँ पे कर देंगे शॉर्ट टेक्स्ट और तब यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ पर अब हम शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे तो यहाँ पे E1 करेंगे, ये एम्प्लॉई आईडी हो गई।
और यहां पे 1 कस्टमर आईडी हो गया, देख ही सकते हैं, और यहां पे फिर करेंगे E2, ठीक है, और यहां पे कस्टमर आईडी 2 हो जाएगी जैसे दिया गया वहां पे, और यहां पे लिखेंगे नाजिया एक नाम लिख देते हैं, और यहां पे E3 करेंगे, और यहां पे 3 करेंगे, और यहां पर क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे लोकेश। तो यहां पे 3 नाम लिख दिया हमने और यहां पे ओके कर दिया। अब देखिए तीसरे टेबल में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगी। देखिए हमको वापस जाना होगा रिलेशनशिप टेबल पर, और ये जो आया हुआ है तो ये कॉस्ट वाली टेबल हमें दिख नहीं रही है, तो यहां पर लेके आ जाइए इसको। आ गए, अब देखिए यहां पर इसमें और इसमें इन दोनों में कॉमन फील्ड क्या है, कस्टमर आईडी। तो उठाइए इसको, कस्टमर आईडी के सामने रखिए और यहां तीनों पे टिक कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये टेबल्स ऑफ होनी चाहिए, ये खुला नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेबल्स एक भी खुली रहेगी तो ये रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर कस्टमर आईडी को उठाइए, कस्टमर आईडी के सामने रख दीजिए और तीनों पर टिक करके और यहां से वन टू मेनी रिलेशनशिप बिल्ड कर लीजिए। लेकिन यहां पर देखिए क्या कह रहा है, रिलेशनशिप मस्ट बी ऑन द सेम नंबर ऑफ फील्ड विद सेम डेटा टाइप। तो यहां पे डेटा टाइप भी मैंने क्या कहा, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। तो यहां देखिए कॉस्ट टी जो बनाया हमने यहां पे, तो इसमें कस्टमर आईडी का डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया गया है, जबकि यहां पे क्या है, यहां पे देखिए कस्टमर वाले टेबल में, तो कस्टमर वाले टेबल में आपको दिखेगा कि यहां पर ऑटो नंबर है, तो इसमें तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए इसको भी हमें नंबर ही रखना होगा। तो यहां पर ये भी हमें क्या रखना होगा, ये फील्ड, ये नंबर रखना होगा। अब यहां से ओके करिए और फिर रिलेशनशिप क्रिएट करा लीजिए, ओके करिए, यस, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से इसको भी ऑफ कर दीजिए, इन तीनों टेबल्स को और दोनों टेबल्स को ऑफ कर देते हैं, ये आ गया। अब यहां से रिलेशनशिप क्रिएट करवाइएगा, सक्सेसफुली रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा आपका। देखिए अब प्लस का साइन भी आएगा, तो सारी चीजें होती चली जाएंगी। देखिए रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब आते हैं हम पहले टेबल पर, प्रोडक्ट वाले टेबल पे। तो प्रोडक्ट वाले टेबल पे ये प्लस का साइन दिख रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर भी प्लस का साइन दिखेगा, तो कस्टमर आईडी और कस्टमर का नेम दिख रहा है, और यहाँ पर प्लस पे टिक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉई आईडी और एम्प्लॉई का नेम भी दिखेगा। तो हर तरीके से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि ये कंबाइन करवाने वाली बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई सवाल हो तो जरूर बताइएगा कॉमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।